हेलो दोस्तों, आज हम एक और शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं जिसका नाम है शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट लिमिटेड। इस शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे, इसके फंडामेंटल, फाइनेंशियल, कंपनी करती क्या है, क्या काम है, कैसा काम है, किस लिए काम है, वो सब चीज जानते हुए नजर आएंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ ताकि आपको एक एक चीज सही से समझ में आती हुई नजर आए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर चार्ट स्टडी रहेगी, जब हम यहाँ पर बात करेंगे तब मैं आपको और खुल के बात करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइक सेलिंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को स्टडी करना है, चीजों को सीखने पर फोकस करना है, उसके लिए वीडियोज है, जाके देखिए, सीखिए, समझिए, आपको काफी हेल्प मिलती हुई नजर आएगी। बट स्टिल 8 मिनट 10 मिनट के वीडियो में ज्यादा बातें नहीं हो पाती, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, आप हमारे एक और वीडियोज है, हमारा एक कोर्स है, उसे ज्वाइन कर सकते हो। बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल, कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, क्यों बेचना, शेयर क्यों भागता है, क्यों गिरता है, वो सब चीज इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको समझ में आती हुई नजर आएगी, इस पर्टिकुलर कोर्स में समझ में आता हुआ नजर आएगा। 25,000 रुपए का कोर्स है, 3 मंथ की हैंड होल्डिंग, स्ट्रेटजीज एंड स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन नोट्स सब कुछ यहाँ दिया जाता है। 8868054501, 8169261037, दोनों नंबरों को सेव कर लीजिए और हमारे साथ इस कोर्स का एक हिस्सा बन के आप रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट लिमिटेड की हम बातें कर रहे हैं, कंपनी करती क्या है। तो देखिए, कंपनी यहाँ पर जो काम करती है इज इंडिया की नंबर वन, है ना, लीडिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन रिटेलर है ऑफ होम इंप्रूवमेंट एंड बिल्डिंग प्रोडक्ट्स इन इंडिया। तो बिल्डिंग्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं एज वेल एज होम इंटीरियर कह लीजिए या होम इंप्रूवमेंट कह लीजिए, ठीक है, उसमें ये कंपनी का काम करती हुई नजर आती है उन प्रोडक्ट्स में। एंड इट कैटर्स टू अ लार्ज कस्टमर बेस स्प्रेड अक्रॉस वेरियस एंड टू एंड यूजर सेगमेंट इन अर्बन एंड सेमी अर्बन मार्केट थ्रू अ रिटेल लेड मल्टी चैनल अप्रोच, है ना। तो रिटेल के थ्रू भी यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 90+ यहाँ पर रिटेल स्टोर इनके यहाँ पर नजर आते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इनकी वेबसाइट पे चलोगे ना आपको समझ में आएगा, इनके प्रोडक्ट्स पे जाओगे ना आपको समझ में आएगा। ये कंस्ट्रक्शन के लिए जो स्टील और मटेरियल की जरूरत होती है, ठीक है, वो ये बनाते हैं। प्लम्बिंग एंड फिटिंग, ठीक है, हर एक घर में वॉशरूम भी होते हैं, ठीक है, किचन भी होता है, उसमें प्लम्बिंग एंड फिटिंग से रिलेटेड टाइल्स एंड सरफेस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड लाइटिंग जो घर का पूरा यहाँ पर काम होता है ना, पेंटिंग, केमिकल्स एंड एडहेसिव, आर प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर। देखिए, रूफिंग एंड एक्सेसरीज, स्टील ट्यूब्स, पाइप्स, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर फिनिशिंग, किचन डोर्स एंड हार्डवेयर। तो मतलब बात करें घर के अंदर जो भी चीजें लगती है ना, उन सभी चीजों में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। अच्छा खासा बिजनेस मॉडल नजर आता है। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप हो रहा है आपको पता ही है, ठीक है, आने वाले टाइम में इसी तरीके से और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी ऐसे सेक्टरों में बनती हुई नजर आ सकती है। इनके अगर आप यहाँ पर देखेंगे पार्टनर्स, तो आपको पता चलेगा ये जितने भी बड़े बड़े यहाँ पर पार्टनर है, ये नाम है आप देख ही सकते हैं, कजारिया हो गया, सोमी हो गया, कॉलर हो गया, आपने इन सबकी एड भी देखी होगी, JSW, जिंदल, जैगुआर, टाटा स्टील, यहाँ पर ये इन्हीं कंपनी के लिए ये कंपनी कहीं ना कहीं यहाँ पर काम करती रहती है। तो अच्छा खासा बिजनेस मॉडल है यहाँ पर, आप देखोगे तो ये इस पर्टिकुलर पूरे रीजन में ये कंपनी शायद काम करती हुई नजर आती है। तो जाके एक बार इनकी वेबसाइट पर विजिट करिए, आपको पूरा का पूरा एक आइडिया लगता हुआ नजर आएगा, इनके ब्रांड कौन कौन से है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है, ये कंपनी कैसे कैसे काम करती है, इनके क्लाइंट्स कौन है वो समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किससे रिलेटेड, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंपनी के रिलेटेड, तो शंकरा की हम बात कर रहे हैं, एक मिनट दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए शंकरा बिल्डिंग, तो यहाँ पर 1430 करोड़ रुपए की कंपनी है। तो मतलब क्या है, स्मॉल कैप, स्मॉल कैप कंपनी है। जब स्मॉल कैप की बात करूँ तो दो चीज दिमाग में रखिएगा, सबसे पहले हमारे चैनल का नाम आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर है, हमारी एक्सपर्टीज इसमें है, इसलिए हम छोटे छोटे शेयर से रिलेटेड बातें करते हैं। और याद रखिए बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल देते हैं, एडुकेशन पर्पज से वीडियोज है पूरी की पूरी, सारी की सारी, और यहाँ पर जाके आप सीख सकते हैं ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी हम बात करें स्मॉल कैप की, तो याद रखिए रिस्क रिवॉर्ड, है ना, रिस्क कितना है, कितना रिवॉर्ड दे सकती है, वो भी यहाँ पर डिपेंड करता है। तो इसको कैसे, तो देखिए जस्ट छोटे शेयर होते हैं ना, जब गिरते हैं तो इस तरीके से गिरते हैं कि कैसे 2,000 रुपए वाला शेयर 250 रुपए पे आ गया, तो मतलब 90-95% तक की बेल्ट आपकी एक साथ लेता हुआ नजर आ गया, है ना। और जब ये ऐसे शेयर भागते हुए नजर आते हैं ना, तो इस तरीके से भागते हैं कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि 250 वाला शेयर कब 700-800 हजार रुपए, है ना, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए चले जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगी। इसलिए सही टाइम पे बेचना
और सही टाइम पे खरीदना, वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, वही चीजें आपको यहाँ पर समझनी है, तो उसी से रिलेटेड हम बातें करेंगे। स्टॉक पी की बात करें, 18 का पी है, इंडस्ट्री का पी 55 का है, तो काफी सस्ता नजर आता है, तो सस्ता शेयर हो गया सबसे पहली बात। अभी ऐसे मार्केट में कौन से शेयर चाहिए, ऐसी तो शेयर चाहिए ना जो सस्ते हो, जो यहाँ पर 18 से 55 का अगर पी हो तो लगभग लगभग 3 गुना 4 गुना रिटर्न बनते हुए नजर आए, राइट। आरओसी आरओई की बात करें तो आरओसी आरओई यहाँ पर कम है, ठीक है। और ऐसे अगर मैं इस चीज को ऊपर से देखना चाहोगे तो काफी बड़े लोग ऐसे शेयर को लेना पसंद नहीं करेंगे, टू बी वेरी फ्रेंक, जो मैं अब बात कर रहा हूँ। सेल्स ग्रोथ की बात करें 13 के आसपास है, यहाँ पर बात करें डेट की तो 14% के आसपास का डेट है, तो ज्यादा डेट भी नहीं है। यहाँ पर देखिए इंट्रेंसिक वैल्यू 691 रुपए के आसपास है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने की भी अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है। 10 का फेस वैल्यू है, आने वाले टाइम में आपको शायद स्प्लिट मिलता हुआ नजर आए, है ना, तो अच्छा यहाँ पर ये शेयर नजर आता है ऑन द बेसिस ऑफ दीज पर्टिकुलर थिंग्स, है ना, तो ये इससे रिलेटेड। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, तो यहाँ पर देखिए कंपनी कंपनी का काम देखिए थोड़ा सा, ठीक है। कंपनी लगातार अच्छा काम करती हुई नजर आ रही है, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि कैसे 400 500 600 करोड़ रुपए से धीरे धीरे 900 1000 1200 1100, है ना, 1300, तो यहाँ पर इस तरीके से काम कर रही है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पे यहाँ पर कंपनी का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा फ्लैट कैसे कह लीजिए ईयरली क्वार्टरली बेस पे, ठीक है। मार्जिन थोड़ा सा कम आ रहे हैं, 3% के आसपास के मार्जिन आ रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव फिगर है। मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा हो 10 11 15% तो और अच्छी बात हो जाएगी इस कंपनी के लिए, तब शायद ये शेयर 10 गुना तक भी पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नौ हमेशा पॉजिटिव रही है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव रही है, हमेशा पॉजिटिव रही है कंपनी, है ना, बट ऐसे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। इस चीज को भी याद रखना है कि 15 करोड़ रुपए का कहाँ 1300 करोड़ रुपए की सेल्स, कहाँ 15 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, तो मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं। 94 95% मटेरियल कॉस्ट में ही इनका पूरा का पूरा पैसा लग जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ईयरली बेस पे देखोगे, ईयरली बेस पे कंपनी का परफॉर्मेंस लगभग यहाँ पर तो फ्लैट ही था, फिर उसके बाद आप देखोगे तो अच्छा खासा पिछले 2 3 क्वार्टर में कंपनी ने काम किया है। जहाँ पर कंपनी ने काम किया है आप देखेंगे इसने हाई कब बनाया था, 2017 18 में, 18 मान के चलिए ऐसे हाई बनाया था, ठीक है। उसके हिसाब से कंपेरिजन करेंगे तो 2500 करोड़ की सेल्स थी, ठीक है, मार्च तक। और यहाँ पर आप देखोगे तो अभी सेल्स कितनी है, लगभग 4800, लगभग डबल होती हुई लगा नजर आ रही है। प्रॉफिट का रेशियो की जैसे कि मैंने बताया था कि अभी क्या नजर आ रहा है, अभी 3 3% का मार्जिन कर रही है, तो मार्जिन का कहीं ना कहीं इफेक्ट आता हुआ नजर आ रहा है, बट उससे पहले ये कंपनी 7 7 8 8% का मार्जिन करती थी। तो वही मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पर कंपनी एक बार मार्जिन अच्छा खासा दिखा देना तो कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। उस टाइम आप देखोगे मटेरियल कॉस्ट 86 87% के आसपास थी, अभी 94 95% के आसपास है, तो इसका इफेक्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं पड़ता है, तो इस चीज को आपको समझना होगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट तो लगभग लगभग उसी के बराबर आता हुआ नजर आ रहा है, तो नेट प्रॉफिट के मामले में ठीक है, ईपीएस के मामले में ठीक है, बट मार्जिन भी कंपनी को शो करने पड़ेंगे, तब जाके बात बनेगी, है ना, कि कंपनी कहाँ पर 175 करोड़, कहाँ पर 150 करोड़, तो वो रेंज नहीं आ पा रही, ठीक है, इधर उधर होके वो रेंज आ रही है बट वैसे नहीं आ रही, तो इस चीज की वजह से शेयर प्राइस अभी तक उस रेंज में नहीं गया है, बट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इस पर भी काम किया जाएगा और शायद ऊपर जाए। रिजर्व्स की बात करें, कंपनी के रिजर्व्स लगातार बढ़े हैं, 800 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स है, बोरिंग लगातार कम हुई है, बट पिछले 2 3 साल में यहाँ पर दोबारा बोरिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है, 114 हो गई है। वर्किंग प्रोग्रेस में कुछ खास पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट कुछ खास नहीं है। कैश की बात करें तो 28 करोड़ रुपीज के आसपास का कैश है, पॉजिटिव कैश फ्लोज नजर आते हैं। और चीजें देखना चाहो तो यहाँ देखिए प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी कम करी है, 2021 और अभी के मुकाबले लगभग 7% की हिस्सेदारी यहाँ पर कम कर दी है, 7 से ज्यादा ही, ठीक है, 49% की हिस्सेदारी अभी लगा नजर आती है, जो कि 3 क्वार्टर से सेम है। एफआईएस की बात करें, एफआईएस लगातार यहाँ पर बेच रहे हैं, 22% से 7% 8% रह गए। डीआईज एज इट इज लेके बैठे हुए 5% के आसपास, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये एफआईएस की लगातार सेलिंग आ रही है, तो इस वजह से भी आप देख पा रहे होंगे कि शेयर प्राइस लगातार गिरता हुआ ही नजर आ रहा है, ठीक है, या फिर इसमें कुछ चांद नजर नहीं आती, तो ये भी एक यहाँ पर इफेक्ट है। कंपनी अगर एफआईएस दोबारा जहां पर जो बेचते हैं ना, याद रखिए खरीदते भी वही है, कब 7 से यहाँ पर कब 22 पे पहुंच जाएंगे, उस टाइम यहाँ पर शायद दोबारा तेजी होती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा एपीएल अपोलो मार्ट यहाँ पर देखिए 6% की होल्डिंग रखता है, 38% की होल्डिंग पब्लिक के पास है, अभी लगभग 35,000 यहाँ पर इन्वेस्टर है। बढ़िया चीज
सही होगी। कंपनी ऑलरेडी अच्छा खासा काम कर रही है और अच्छा खासा काम करती है, कंपनी और ज्यादा एग्रेसिवली यहाँ पर काम करने लग जाएगी ना, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी तेजी इस पर्टिकुलर शेयर में होती हुई नजर आ सकती है। तो इस शेयर को ध्यान के पर्पज से मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं कि अभी लिया अभी बेच दिया अभी पैसे बन गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस चीज को थोड़ा समझना है, तो चार्ट से रिलेटेड बातें करेंगे ठीक है। बट उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल के सब्सक्राइब आइकन को हिट और नोटिफिकेशन कौन करे। बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को स्टडी करना है, चीजें सीखनी है समझनी है, उसके लिए आपको कोर्स करना चाहो कोर्स कर सकते हो, साथ में काम करना है तो इन नंबरों को नोट करके साथ में काम भी कर सकते हो, कॉल मैसेज व्हाट्सएप आप कभी भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये शेयर को मैंने लगभग इसी प्राइस के आसपास 470 के आसपास यहाँ पर पकड़ा था ठीक है। मैं तब से वॉच कर रहा हूँ, तब से लगभग 30% के आसपास की ये तेजी दिखा चुका है। बट अभी इस तेजी को देख के ठीक है, ये एंटिसिपेट बिल्कुल मत करिएगा कि शेयर लगातार भागेगा, अभी चार्ट वीक है ठीक है। बट चार्ट जिस तरीके का यहाँ पर कुछ चीज बनती हुई नजर आ रही है, जो मैं अभी यहाँ पर खुल के बात नहीं कर पा रहा हूँ, बट कभी मेरे कोर्स को ज्वाइन करोगे तो मैं यहाँ पर खुल के बात कर पाऊंगा ठीक है, उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है। बट स्टिल यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी कंसोलिडेशन या थोड़ा सा यहाँ पर और गिर सकता है, और एक रेंज में ये फंसा हुआ है। इस रेंज से जैसे ही ये शेयर बाहर निकलेगा, जो कि रेंज क्या है, जो मैंने रेंज यहाँ पर एक मार्क भी कर रखी है, लगभग 670 680 के ऊपर निकलेगा, तो सबसे पहले शेयर लगभग 800 और 900 रुपए की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जिस दिन ये शेयर इस पिंजरे से आजाद हो जाएगा ना, इस पर्टिकुलर पिंजरे से आजाद हो जाएगा, कौन सा पिंजरा है, 800 रुपए तक का, 800 850 रुपए की रेंज से जब निकलेगा ठीक है ना, तब इस शेयर में एक तेजी होगी, वो तेजी इस शेयर को लगभग 300% तक के रिटर्न देती हुई नजर आएगी, जो इसका ऑल टाइम हाई भी था लगभग लगभग 2000 दिसंबर 2017 के आसपास। तो लग रहा है यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं ना स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4 स्टेज 1, तो अभी यह शेयर स्टेज 1 में चल रहा है, जैसे ही स्टेज 2 में दोबारा आएगा ना तो इसमें एक तेजी होगी। क्या होता है ये स्टेज 1 2 3 4 है ना, जो मैं अभी यहाँ पर बात कर रहा था, तो वो मैं यहाँ पर अपने कोर्स में सिखाता हूँ, तो आप यहाँ पर मिलके ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाइंग सेलिंग की बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं ठीक है, धीरे धीरे शायद कंपनी यहाँ पर जो मार्जिन दिखाने लग जाएगी, तो इसका शेयर शायद उस टाइम स्टेज 2 में आए और फुल फ्लैट यहाँ पर एक तेजी होती हुई नजर आए। और वो भी तेजी कैसी होगी, जिस तरीके से यहाँ पर गिरा था उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक भागता हुआ भी नजर आ सकता है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन कौन करे, और जितना हो सके अपने हमारे इस चैनल को प्यार देने की कोशिश करें, देखे सीखे समझे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी समझ में आए। नंबरों को नोट कर लीजिए, कॉल मैसेज व्हाट्सएप करके आप कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो और साथ में काम कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।